360 डिग्री एंगल का एक फुटेज तैयार हो जाता है। ये आ गई हमारी प्यारी सी कॉफ़ी। रही भाई में हार्ट बना है, मेरे में कुछ पत्तियाँ टाइप की बनाई हैं जो डिज़ाइन मेरे में बिगाड़ दी है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी आर्ट। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग जो है शिवा ढाबे नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं था कि कौन सा असली शिवा ढाबा है और कौन सा नकली शिवा ढाबा है। सो आप लोग को यकीन नहीं होगा, इस बार हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और अब की जो है हम लोग फिर से नकली शिवा ढाबे पर रुक गए। असली शिवा ढाबे की खोज हमारी जारी रहेगी और देखते हैं। अभी तो फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में ये शिवा ढाबा दिखा है और अगर लौटते टाइम फिर हम लोग एक बार ढूंढेंगे शिवा ढाबे को, शायद असली मिल जाए और अगर असली मिल जाता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी जो फ़िलहाल चाय पी रहे हैं और रात का बज रहा है 1:15। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और चाय काफ़ी अच्छी है नकली शिवा ढाबे की। और अभी माइक भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो शायद आवाज़ भी थोड़ी हल्की आ रही होगी आपको। आगे का ब्लॉग हम माइक पे शूट करके डालेंगे। और ये है बच्चों के कुछ झूले और बीच में है सेल्फी स्टिक जो कि वो वाली होती है 360 डिग्री। इसमें बीच में खड़ा हो जाता है इंसान और ये जो स्टिक दिख रही है आपको ये रोटेट करती है 360 और इसमें जो है 360 डिग्री एंगल का एक फुटेज तैयार हो जाता है। और ये कुछ बच्चों के और फुटबॉल्स पड़े हुए हैं और ये तो बच्चों का यहाँ पर है। और ये है आपका नकली शिवा ढाबा मामा यादव। तो ये है हम और शहरी। क्यों शहरी? तो फिलहाल शहरी हाय कर दो, सबको हाय कर दो। हाय हाय शहरी शर्मा जाते हैं ज़रा चीज़ों पर। और हम लोग अब चाय पी के अब यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, रवाना हो रहा है। और ये हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश। हम लोग दिल्ली एंटर होते ही और जैसे कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग दिल्ली में एंटर होते हैं वैसी बारिश होती है। तो इस बार भी वही हो रहा है सेम, इसका राज भी पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आ गए हम लोग दिल्ली और रात में लगभग 2:30 बजे यहाँ पर पहुँचे और 3 बजे तक हम लोगों ने रूम ले लिया था और दिल्ली में ही अभी स्टे कर रहे हैं। और आज शाम तक गुरुग्राम चले जाएँगे, थोड़ा काम से आए हैं, एक ही दिन के लिए आए हैं क्योंकि ये क्या था? अम्मा थोड़ी हम तुम्हारे अब्बा है बस यार। तो बच्चे भी रेस्ट कर चुके हैं, हम भी रेस्ट कर चुके हैं। तो अब निकल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है बहुत तकड़ी, बहुत ज़बरदस्त। और कहीं निकलने का देखिए कैसे होता है। अब बारिश रुके तो कहीं घूमें, अगर नहीं रुकती है तो मॉल ही मॉल घूमेंगे। तो दोस्तों, आ गए हम लोग दिल्ली में एक जगह। एक्चुअली दिल्ली में मेरी 2 ही डगर, एक सरोजनी मार्केट, दूसरा लाजपत नगर। क्या शेर मार दिया है। तो हम लोग लाजपत नगर आ गए फ़िलहाल और हमेशा की तरह ब्लॉग में फिर से आपको लाजपत नगर की मार्केट दिखाते हैं ताकि आपको रट जाए रास्ता, ये ना हो कि रास्ता भूल जाएं। कभी भी रास्ता भूलें तो मेरा ब्लॉग देखें तो याद आ जाएगा कि लाजपत नगर आया है। अभी फ़िलहाल लाजपत नगर आपको दिखाते हैं। एंजॉय कीजिए ब्लॉग को, आई होप। तो आज है संडे का दिन और डेट है शायद 25 ऑफ जून 2023 और बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरती हुई और संडे का दिन है क्योंकि तो भीड़ ज़्यादा है। हम लोग काफ़ी दूर पे लाजपत नगर में पार्क की है गाड़ी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है संडे की वजह से। भले ही बारिश हो रही है बट आदमी मान नहीं रहा है, जैसे फ्री में मिल रहा है सब चीज़। चलो कोई नहीं, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। और क्यों मेरी आई आज देता है नहीं ऐसा खैर, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। और ये बच्चे हमारे एंजॉय करते हुए। और ये है कुछ लाजपत नगर की भीड़, आज के दिन काफ़ी भीड़ है क्योंकि संडे है। तो आ गए हम लोग बैग की शॉप पे और यहाँ पर बैग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ले लिया है, ले लिया है, अच्छा ले लिया है, कोशिश नहीं हो रही। अब तो फाइनली हो गया, जो हमने बताया वो नहीं लिया, वही लिया वही। तो वो अच्छा लग रहा है, दूसरा ले लिया आपने, वो अच्छा है। चलिए बड़ा ले लीजिए, कोई बात नहीं, जो औरत को भाई वही जाए। देखो निकालो, देखें मेरा बताया नहीं लिया, ये हमने नहीं बताया है। और हमने कौन सा बताया? हमने ये चॉइस ऑलवेज ग्रेट, बट ये लोग ये लेने का नहीं सोचते। तुम ये ले लो, पर ये ऐसे ये ना ले, तो ये ले लो, ले लो। देगा। आखिरकार मेरी चॉइस पे ही फैसला हुआ फाइनल। हाँ भाई वो पिंक एंड वाइट वाला कितने का है बताओ तुम? तो सस्ता वाला तो ले लिया लेकिन महंगा वाला नहीं लिया। अभी हाथ पकड़ लाए, ब्लॉग भी तो बन रहा मेरा, तो वो चश्मा लगा ले। हाँ मेरे शहरी ने गाड़ी ले ली, मेरे शहरी की गाड़ी ले ली। अरे वाह, ये है मेरे शहरी की गाड़ी जो शहरी ने अभी अभी ली है और बस लॉन्च ही हुई थी ये घड़ी इंडिया में, फ़ौरन शहरियान ने ले लिए। अचार ले लें, चलो अभी बाद में लौटते मिलेंगे। चलो चलो शहरी चलो चलो चलो। चलने के लिए जो है तैयार नहीं है बिल्कुल भी, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कचकच बहुत हो रखी है। अभी अगर इन्हें गोदी ले लेंगे तो हम पसीने में नहा जाएंगे और बारिश भी तेज़ हो गई है हल्की सी। तो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल अमरूद की शॉप पे हैं और अमरूद ले रहे हैं क्योंकि यहाँ तो खाली हम लोगों ने अमरूद मुँह नहीं खुल रहा है। काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन मीठे नहीं है ज़्यादा। फ्रूट खा सकते हैं यहाँ पर, तरह तरह की खाने की चीज़ें हैं। और ये कुल्फ़ी भी है, ये भी काफ़ी मशहूर है, फेमस। तो दोस्तों हालत हो चुकी है ख़राब, घूम घूम के बच्चों को गोद में लिए लिए लाजपत नगर की मार्केट घूम के। हालांकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है, फिजा ने अपने लिए सूट लिया है और अब सोच रहे हैं बस घर की तरफ रवाना हो जाए। थोड़ा सा रेस्ट ले लें क्योंकि खचखच भी ज़्यादा हो गई है, गंदगी भी है, भीड़ भी है और थकान भी है। तो दोस्तों सरोजनी और लाजपत को छोड़ के आज हम लोग नई जगह पे आ चुके हैं दिल्ली में। आपको जान के खुशी होगी और मुझे जान के गम हुआ कि मैं ऐसे ही आ गया। तो हम लोग आए हैं गुरुग्राम के साइबर हब और अच्छी जगह है। हम तो फिलहाल पहली बार आए हैं और माहौल अलग है बिल्कुल, और थोड़ा अंग्रेज़ी माहौल है। ऐसा लग रहा है कि पेरिस और लंदन में घूम रहे हैं। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि यूएस लंदन में घूम रहा है। बहुत बढ़िया जगह है और आए तो प्रॉपर तैयार होके आए, वरना आप लोग अपने आप को बड़ा डाउन फील कराएंगे। आपका बीपी लो हो सकता है ऐसी जगह आके। और ये एप्पल का यूनी स्टोर मिल गया है तो अभी एप्पल की हम केबल ख़रीदेंगे एक, और उसके बाद कुछ करते हैं। रुको, तो हम लोग आ गए हैं एप्पल के स्टोर हैं बेरी। हाँ एप्पल की केबल भी ले ली है और एक चीज़ एयरपॉड्स प्रो 2 का कुछ पता करें, डिटेल्स ले रहे हैं, अगर होता है तो वो भी ले लेंगे। और बेरी रो रहे थे तो इन्हें हमें दे दिया गया है। सो दोस्तों कल ली हमने एप्पल से शॉपिंग और लिया क्या है, एक केबल और एयरपॉड्स। और ये तो ब्लॉक का ठीक है तो निकलने दीजिए। तो बड़ी लेट नाइट शॉपिंग करिए, थैंक यू। और अब निकल आए हम लोग बाहर, काफ़ी अच्छा माहौल है ये आपका साइबर हब का। ये छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी आर्ट अपनी स्किल्स दिखाती हुई। और दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम, घमस हो रही है और बारिश यहाँ पर हो नहीं रही है इस टाइम, क्योंकि बारिश हो चुकी है दिन में तो इस टाइम घमस टाइप की हो रही है। न्यू बेरी बेरी और सीधा टहलने चली गई है। जब तक हम ये ले रहे थे तो सीधा उतनी देर में टहलने निकल रहे हैं। तो अभी हमने फ़ोन कर दिया है, अभी वो भी आ रही हैं। फिलहाल हम और बेरी वेट कर रहे हैं सीधा का। हम बेरी नीचे बैठे हुए हैं आराम से। बेरी बेरी वक्त यार। तो दोस्तों आइसक्रीम खा ली है और एप्पल की चीज़ें ले ली हैं अमीरों की तरफ। तो बैग है ना, नूडल खा लिए हैं और काफ़ी अच्छे थे और आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग चल दिए कहीं अच्छा खाना खाने। अब हम लोग रोटी वाला खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि उसी से पेट भरेगा, वरना भरेगा नहीं। चल यार आओ, होल्ड माय फिंगर। तो दोस्तों चल दिए हैं और आगे का व्लॉग आपको दिखाते हैं क्या होगा। ये माइक है, अब इसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए रिकॉर्ड हो रही है इतना। तो अब हम लोग जो है माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और केबल जो ली थी कहाँ पर, वो कौन सी जगह पे गए थे हम लोग, साइबर हब। साइबर हब से केबल ली थी ओरिजिनल, कई दिनों से हम एप्पल की केबल ले रहे थे बट काम नहीं कर रही थी, तो आज ली और फाइनली काम करी। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ अब क्लियर आएगी। तो गाइस अभी हम लोग मेदांता हॉस्पिटल आ गए हैं जिस काम से हम आए थे, और मेरे रिलेटिव को जो है मेदांता में दिखाना था। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग लगभग 12:30 बजे आ गए थे मेदांता, और डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने CT NGO बताया था, तो वो कराने के लिए अब इस टाइम 5 बज रहा है, 5 घंटे हो गए हम लोग को वेटिंग में। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और भीड़ भी काफ़ी है, तो फ़िलहाल अब वो कराने जा रहे हैं। अब उनका नंबर आ गया है लगभग में, और उसके बाद रिपोर्ट्स लेके हम लोग जो है वापस जाएंगे। तो हम लोग पूरे दिन के बाद अब आ गए हैं करीम्स में, गुड़गांव में ब्लॉग में, और करीम्स एट लास्ट हम लोग को गुड़गांव में मिल गया। ढूंढने से, तभी तो कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिलता है, आज करीम ढूंढ लिया। देखिए देखिए, तो अब हम लोग करीम का खाना खाएंगे। तो बहुत ही फेमस करीम्स होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है करीम्स का, स्पेशली दिल्ली के करीम्स का। तो वहीं आए हैं और अभी गुड़गांव में आए हैं, तो टेस्ट करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताते हैं कैसा टेस्ट होता है। तो दोस्तों करीम का खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं कैफ़े कॉफ़ी डे, और यहाँ कॉफ़ी पियेंगे जब तक शिजा की बिरयानी ऑर्डर करती है जो उन्हें अच्छी लगती है, मोटे चावल वाली। तो वो जब तक आएगी तब तक हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो अब हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है और अभी थोड़ी देर में आ रही है कॉफ़ी। काफ़ी थकान कम हो जाएगी उससे, और आगे का ब्लॉग भी बना पाएंगे। और आज और रुक रहे हैं, कल दिन में जो है हम लोग घर के लिए चल देंगे। ये आ रही है हमारी प्यारी सी कॉफ़ी। रईस भाई में हार्ट बना है, मेरे में कुछ पत्तियाँ टाइप की बनाई है, डिज़ाइन मेरे में बिगाड़ दी है, और रईस भाई का हार्ट अच्छा है ज़्यादा। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है, धूप हो रही है ज़्यादा तेज़, और हम लोग मेदांता जाएँगे और वहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करके घर की तरफ रवाना होंगे खाते पीते हुए। अभी टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम मेरी, 10:27, 10:30 बज रहा है। तो फाइनली कार में बैठ गए हैं हम और बैरी, और बस यहाँ से अब हम लोग मेदांता के लिए रवाना होंगे। चलिए दिखाते हैं फाइनल कुछ पल गुड़गांव में। और ये देखिए कितनी खूबसूरत गाड़ी जा रही है हमारे सामने, और सब लोग देखते हुए जा रहे हैं। उसका स्टीयरिंग भी लेफ्ट हैंड ड्राइव में है, मतलब ये बाहर से इम्पोर्टेड गाड़ी है, ये इंडियन गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में चला रहा है। और काफ़ी अच्छी ये है, कौन सी पहले देखना पड़ती है। देखिए आप कितनी खूबसूरत गाड़ी है, वाह। ये है, ये साथ ही में चलना है, अच्छा वो देखते हुए हम भी चल रहे हैं साथ में। ये देखिए कितनी अच्छी है, अब बहुत अजीब सा लगेगा क्योंकि वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से शिवा के ढाबे की, ओरिजिनल शिवा ढाबे की खोज में हम लोग निकल चुके हैं। एक बार फिर दिल्ली से लौट रहे हैं, और दुआ करिएगा कि इस बार ओरिजिनल शिवा ढाबे पे हम लोग पहुंच पाएँ। तो अभी बस आने वाला है शिवा ढाबा, और देखते हैं कि इस बार ओरिजिनल है कि लोकल। दोस्तों आपको छान के हैरानी होगी, फिर से हम लोग आ गए किसी और शिवा ढाबे पर, जहाँ भीड़ बहुत ही कम है। ये भी शिवा ढाबा। अब हम लोग ब्लॉग के ज़रिए सारे शिवा ढाबे कवर कर देंगे, देखेंगे कब तक ओरिजिनल वाला निकलता है। चलिए फिर खाने का मज़ा लेते हैं, और यहाँ का देखते हैं खाना कैसा होता है।